पिछले चार दिनों से जारी लगातार बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से निचले बस्तियों में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से शहर के करीब 60 से 70 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। अचानक आए बाढ़ के पानी से पीड़ितों के घरों में रखा अनाज तथा खाने पीने की चीजें भीग जाने से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो वही तहसील थाना नगर प्रशासन द्वारा पलिया स्कूल, पहले पार, अभ्यंकर स्कूल, सुभाष प्राथमिक शाला आदि में बाढ़ पीड़ित परिवार की रहने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में यहाँ रह रहे करीब 100 लोग लगभग बाढ़ पीड़ित के जलपात तथा भोजन की व्यवस्था हेतु शहर के बाबा साहेब स्पोर्ट एंड एजुकेशन सामाजिक संस्था, लॉयंस क्लब, समाज सेवी तथा पूर्व नगर सेवक नीलेश पटेल आदि इन सभी आश्रितों के जलपान तथा भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं। उन्हें चाय, नाश्ता तथा दो वक्त के भोजन की व्यवस्था कर अपने सामाजिक दायित्व का परिचय दिया। वहीं सावनेर तहसील के उपविभागीय अधिकारी अतुल महत्रे, तहसीलदार प्रताप वाघमारे, मंडल अधिकारी राजेश वखारे आदि के निवेदन पर शहर के स्वस्थ अनाज विक्रेताओं ने प्रति बाढ़ पीड़ित परिवार को 10-10 किलो चावल का वितरण किया है। इस पहल में समाज सेवी तथा बाबा साहेब अम्बेडकर स्पोर्ट एंड एजुकेशन के विनोद बागड़े, बिपिन बागड़े, लायंस क्लब के वत्सल बांगड़े, डॉक्टर शिवम पुन्यानी, पीयूष झुंझीवाड़िया, पूर्व नगर सेवक नीलेश पटे व नीलेश पटे मित्र परिवार युवा आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। वहीं पटवारी गणेश मोरे आदि बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्था बनाए रखने हेतु सहयोग कर रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले।